कन्नौज के इंद्रगढ़ क्षेत्र में वर्ल्ड सेंचुरी लाख बहुसी पक्षी विहार में भीषण आग लग गई। तेज आंधी से आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 किलोमीटर तक इलाके में आग फैल गई। अचानक लगी आग ने लोगों को भयभीत कर दिया। लोगों ने जैसे ही आंधी तूफान में धुएं के गुब्बारे देखे तो होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे इंद्रगढ़ एसओ शैलेंद्र सिंह ने फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। तत्काल घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काफी तेज होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड सेंचुरी लाख बहुसी पक्षी बिहार में लगी भीषण आग तेजी के साथ माइनर क्रॉस करके मणपुर साइड ताल में फैल गई। देखते ही देखते आसपास के क्षेत्रीय गांव के लोगों की भारी भीड़ लग गई। भयानक आग से पास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी चपेट में आ गई। तेज आंधी में आग पर काबू पाया जाना मुश्किल हो रहा था। कन्नौज में शाम को एकाएक बदले मौसम के बाद तेज आंधी से लोग बेहाल हो गए। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ तो एक महिला की मौत हो गई। तालग्राम में पुलिस चौकी के टीन शेड उड़ने के साथ प्लांट की दीवार पलट गई। कन्नौज के कस्बे चपुन्ना क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर काशीदीन निवासी सुमित कुमार राठौर की पत्नी बसंती की आम के पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं तेज आंधी से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। गुरसाहिगंज क्षेत्र के गांव मजबूरबा स्थित प्राथमिक विद्यालय में लगा हाई टेंशन लाइन का खंभा गिर गया, जिससे बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तेज आंधी में जगह जगह दुकानों के बाहर लगे टीन शेड उड़ गए। तहसील के गेट पर लगा पेड़ गिर जाने से यातायात बाधित रहा। प्रतापपुर व अन्नपूर्णा मंदिर जाने वाले मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन ठप हो गया। उधर ठटिया के हरेपुर निवासी सुनीता पुत्री अजय पाल आंधी के दौरान छत से उतरते समय सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। कल शाम को जो जनपद में तेज आंधी और तूफान आया था, उसकी वजह से जनपद में नुकसान हुआ है, एक जनहानि हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं और इसके अलावा 3 पशु हानि भी हुई है, जिसमें एक गाय, एक भैंस और एक बछड़े की मृत्यु हुई है। 18 घरों में आग लगने से भी नुकसान हुआ है। इन सब का सर्वे करा कर इनसे रिपोर्ट तहसीलों से मंगवा कर और तत्काल सहायता राशि वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह की आज भी सब अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी है? सभी अधिकारियों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है और कहीं इस प्रकार की सूचना मिलती है या कहीं कोई नुकसान की सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।